हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में प्रदेश का पहला वाईफाई युक्त आश्रय स्थल, बाड़मेर नगर परिषद की पहल, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रय स्थल। बाड़मेर नगर परिषद ने अभिनव पहल करते हुए मुख्यालय पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रय स्थल की शुरुआत की है। ये प्रदेश का पहला ऐसा आश्रय स्थल है जिसमें इंटरनेट के लिए वाईफाई उपलब्ध है। इसके अलावा केयर टेकर के साथ ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हॉल के पास संचालित नगर परिषद के आश्रय स्थल में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। कई वर्षों से संचालित इस आश्रय स्थल में होटल की तर्ज पर ठहरने वाले लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस आश्रय में गरीब, बेसहारा, निराश्रित परिवार, वृद्ध, दिव्यांग, महिला, पुरुष, बच्चों के ठहरने एवं विश्राम की समुचित निःशुल्क व्यवस्था हुई है। नगर परिषद सभापति दिलीप माली एवं आयुक्त योगेश आचार्य ने अनूठी पैरवी करते हुए आश्रय स्थल की तस्वीर बदल दी है। आयुक्त योगेश आचार्य के मुताबिक आमतौर पर आश्रय स्थल एवं सुविधाओं को लेकर आमजन में अच्छी छवि नहीं रहती। उन्होंने ये किया है कि आश्रय स्थल में होटल की तर्ज की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। उनके मुताबिक बाड़मेर नगर परिषद में पहली मर्तबा पहल करते हुए आश्रय स्थल में लोगों के लिए गर्म बिस्तर, सीसीटीवी कैमरे, एलईडी टीवी, प्राथमिक उपचार, चौकीदार तथा रजाई, गद्दे, शुद्ध पानी और शौचालय की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रियों की सामान की सुरक्षा के लिए लॉकर सिस्टम भी उपलब्ध है। आयुक्त आचार्य के मुताबिक मौजूदा समय में भगवान महावीर टाउन के पास आदर्श स्टेडियम एवं वृद्धिचंद जैन रोडवेज बस स्टैंड में नगर परिषद की ओर से आश्रय स्थल का संचालन किया जा रहा है। इंदिरा रसोई की सुविधा, आश्रय स्थल में ठहरने वाले लोगों के लिए 8 रुपए की दर से भोजन सुविधा भी नजदीकी इंदिरा रसोई पर उपलब्ध है। वाईफाई की सुविधा, आश्रय स्थल में ठहरने वाले लोगों के लिए नगर परिषद की ओर से आवश्यक होने पर इंटरनेट के लिए निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर संचालित प्रदेश में ये पहला आश्रय स्थल है जहां अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इंटरनेट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।